अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ एक बार फिर से बहुत ही आसान और बहुत ही परफेक्ट पेरी पेरी चिकन की नैंडोस स्टाइल में रेसिपी शेयर करूंगी। इस वीडियो में आज आपके साथ बहुत ही आसान पेरी पेरी सॉस की रेसिपी भी शेयर करूंगी और उसी के साथ हम इस चिकन को बिना ओवन बिना ग्रिल के पैन में तैयार करेंगे। इससे पहले भी आप लोगों ने मेरी पेरी पेरी चिकन की तमाम रेसिपीज को बहुत ज्यादा पसंद किया, इसीलिए आप लोगों की सहूलत के लिए आज मैं पेरी पेरी चिकन को बिना ओवन के तैयार करूंगी ताकि जिन लोगों के घर में ओवन नहीं है वो भी इसको ट्राई कर सकें। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पेरी पेरी सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हम 8 से 9 सूखी लाल मिर्च एक बाउल में डालेंगे और 1/4 कप के बराबर इसमें पानी डालकर इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। अब इन मिर्चों को इस गर्म पानी में तकरीबन 15 मिनट के लिए भिगो कर रखेंगे। सॉस बनाने के लिए हमें यहाँ पर लेमन जेस्ट की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने एक बड़े साइज के लीमू का आधा हिस्सा लिया है और इसके छिलके को हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट करेंगे। छिलके को ग्रेट करते हुए ख्याल रखिएगा कि व्हाइट वाले पार्ट को आप लोगों ने ग्रेट नहीं करना, अगर आप उसको भी ग्रेट कर देंगे तो लेमन जेस्ट कड़वा हो जाएगा। अब इसको एक साइड पे रखेंगे, इसका इस्तेमाल हम आगे चलकर करेंगे। अब एक बाउल में हम एक छोटे साइज की प्याज जिसका वजन 60 ग्राम तक होना चाहिए बड़े टुकड़ों में काट के डालेंगे और एक दरमियाने साइज की शिमला मिर्च जिसका वजन 120 ग्राम तक होना चाहिए इसको भी बड़े टुकड़ों में काट कर इसमें शामिल करेंगे। 7 से 8 लहसुन के बड़े साइज के जवे भी इसमें डाल देंगे और 1/2 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे, 1.5 टेबलस्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल करेंगे और 1.5 ही टेबलस्पून हम इसमें पेपरिका का इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबलस्पून ओरेगनो भी इसमें हम शामिल कर देंगे। 1/2 टेबलस्पून के बराबर इसमें हम चीनी शामिल करेंगे और जो लीमू का छिलका हम लोगों ने ग्रेट करके रखा था उसमें से 1 टीस्पून लेमन जेस्ट इसमें शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें सफेद सिरके का इस्तेमाल करेंगे और 3 टेबलस्पून हम इसमें फ्रेश लेमन का जूस भी शामिल करेंगे। अब हम यहाँ पर तकरीबन 1/4 कप के बराबर जैतून का तेल भी इसमें शामिल कर देंगे और जो मिर्चें हमने भिगो कर रखी थी वो भी इसमें शामिल कर देंगे और इसका हम बहुत ही फाइन पेस्ट बना लेंगे। अगर आप लोग पेरी पेरी सॉस को स्टोर करना चाहते हैं तो इस स्टेज पर आकर आप लोगों ने पेरी पेरी सॉस को मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए पकाना है। जब ये थोड़ा सा थिक हो जाए तब आप लोगों ने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको मुकम्मल तौर पे ठंडा करके किसी भी एयर टाइट जार में डालकर फ्रिज में आप लोग तकरीबन 1 माह तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने 6 लेग क्वार्टर का इस्तेमाल किया है जिनका वजन 1 किलो से लेके 1200 ग्राम तक होना चाहिए और इन लेग पीसेस को आप लोगों ने छुरी की मदद से दोनों साइड्स पे कट्स लगाने हैं, जिस तरह से आपको वीडियो में नजर आ रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से आप लोग इन पर कट्स लगाएंगे। और ख्याल रखिएगा कि चिकन को आप लोगों ने कट्स लगाने से पहले धोना है, कट्स के बाद आप लोग बिल्कुल नहीं धोएंगे। अब हम इसमें 3/4 टीस्पून के बराबर नमक शामिल करेंगे, नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं और 3/4 टीस्पून ही हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही हम यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर टोमेटो पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे और 1.5 कप के बराबर तैयार की हुई पेरी पेरी सॉस भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इस चिकन के तमाम पीसेस को इस सॉस के साथ बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे। जब एक साइड पे मसाला अच्छी तरह से लग जाए तब आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करके दूसरी साइड पे भी मसाला अच्छी तरह से लगाना है। अब इसको कवर करके फ्रिज में कम से कम 2 घंटे या अगर आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो इसको पूरी रात के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब एक नॉन स्टिक पैन या तवे पर 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर जैतून का तेल डालकर इसको ब्रश की मदद से अच्छी तरह से फैला लेंगे और एक एक करके इसमें तमाम चिकन लेग पीसेस रखते जाएंगे। मैरिनेट किए हुए चिकन के पीसेस को आप लोगों ने पहले तेल में रखना है और फिर आप लोग इसको एक साइड पे करते जाएंगे और यहाँ पर आप लोगों ने फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। पैन की साइड्स पे बहुत ज्यादा हीट नहीं जाती इसलिए साइड वाले पीसेस के रुख को चेंज करेंगे और 5 से 8 मिनट के बाद तमाम चिकन पीसेस की साइड को भी चेंज करेंगे। इस स्टेज पर आकर इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होगा इसीलिए मैंने इसको हाथ की मदद से पलटा है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर हाथ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, आप लोग किसी भी चिमटे की मदद से इसकी साइड को चेंज करेंगे। अब जो मसाला बॉल में बच गया था वो ब्रश की मदद से हम तमाम चिकन पीसेस पर लगा देंगे। चिकन और पेरी पेरी सॉस पकते हुए बहुत ज्यादा पानी छोड़ेगा और ये चिकन पीसेस इसी पानी में बनकर तैयार होंगे। अब दूसरी साइड को भी आप लोगों ने 5 से 6 मिनट के लिए पकने देना है और फिर से इसकी साइड को चेंज करेंगे और साथ ही जो मसाला पैन में होगा उसको ब्रश की मदद से आपने तमाम चिकन पीसेस पे लगाते जाना है। अब चिकन पीसेस को हम मजीद 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। यहाँ पर चिकन मुकम्मल तौर पे तैयार है, आप इसको एज इट इज भी खा सकते हैं,
लेकिन मुझे चिकन पीसीस पे बहुत अच्छा ब्राउन कलर चाहिए, इसलिए मैंने पहले इस पर जैतून का तेल लगाया है। अब हम इसको अवन में 10 मिनट के लिए ब्रॉइल करेंगे। मैं जो पैन इस्तेमाल कर रही हूँ ये अवन प्रूफ है, मैं इसी पैन के समेत इन चिकन पीसीस को अवन में रखूंगी, क्योंकि अगर हम चिकन पीसीस को पैन में कलर देंगे तो ये बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएंगे, और पेरी पेरी चिकन को हमने ड्राई नहीं तैयार करना बल्कि जूसी फॉर्म में तैयार करना है। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी के साथ हम लोगों ने बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में पेरी पेरी चिकन को पैन में तैयार किया है। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि पेरी पेरी चिकन बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। अब मैं चिकन पीस आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि ये किस कदर जूसी बनकर तैयार हुआ है, ये ड्राई बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि चिकन पीस कितनी आसानी से टूट रहा है, और यहाँ पर आप लोग गौर कीजिएगा कि चिकन पीस अंदर से वाइट वाइट बनकर तैयार हुआ है, ये अंदर से पिंक नहीं है और ना ही इसमें किसी किस्म की स्मेल है। यहाँ पर मैं आपको पूरी लेग पीस तोड़कर दिखाऊंगी कि ये अंदर तक पकी हुई है और ब्लड का कहीं भी नामो निशान भी नहीं है। हालांकि हमने इसको पैन में तैयार किया है, और अक्सर औकात पैन में चिकन को तैयार किया जाए तो उसमें कहीं ना कहीं ब्लड बाकी रह जाता है। गर्मा गर्म पेरी पेरी चिकन को आप लोग पेरी पेरी सॉस और पेरी पेरी राइस के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको पेरी पेरी स्पाइसी राइस की रेसिपी चाहिए तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इस रेसिपी को बनाते हुए अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट ना हो तो आप लोग उसको स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास जैतून का तेल भी ना हो तो आप लोग किसी भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस आज ही आप लोगों ने इस मजेदार स्पाइसी और जूसी किस्म की पेरी पेरी चिकन की रेसिपी को जरूर जरूर ट्राई करना है, और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ट्राई समथिंग डिफरेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही क्रिस्पी और मजेदार किस्म के चिकन आलू रोल की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ आधा किलो आलूओं के साथ ढेर सारे रोल तैयार करेंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि रोल्स को हम किस तरह से एक्स्ट्रा क्रिस्पी कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको ऑयल फ्री बना सकते हैं। तो चलिए टाइम को बिल्कुल जाया किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक पैन में 2 टेबलस्पून बटर डालेंगे। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें 1 कप भर के चॉप की हुई प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर 1-2 मिनट पकाने के बाद इसमें 1/2 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लहसुन पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। 3/4 टेबलस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे, आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और 1.5 टेबलस्पून हम इसमें कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। अब इन तमाम मसालों को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। मसालों को अच्छी तरह से पकाने के बाद अब हम इसमें 500 ग्राम उबला हुआ चिकन श्रेड करके डालेंगे। चिकन को बॉईल करते हुए मैंने नमक या किसी और मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। अब इन तमाम चीजों को मिक्स करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। रोल बनाने के लिए हम 500 ग्राम आलू लेंगे और इनको बॉईल करके ठंडा कर लेंगे और ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर 2 अंडे लेंगे और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून हम दूध डालेंगे। साथ ही हम इसमें चुटकी भर नमक डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। चिकन आलू रोल के लिए जो हम लोगों ने चिकन का मिक्सचर तैयार किया था, अब हम उसमें ग्रेट किए हुए आलू शामिल करेंगे। साथ ही हम उसमें 3/4 कप हरा धनिया बारीक कटा हुआ शामिल करेंगे। आलूओं को आपने चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि आलू में किसी भी किस्म की गुठली बाकी ना रहे। अब हम इसमें 1 कप ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स शामिल करने से ये फायदा होता है कि आलू के अंदर जो एक चिपचिपापन होता है वो खत्म हो जाता है, और जब हम लोग रोल तैयार करते हैं तो वो अपनी शेप में रहते हैं। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। तो आइए अब जल्दी से रोल्स तैयार कर लेते हैं। रोल तैयार करने से पहले आप लोगों ने अपने हाथों को ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस करना है, और फिर आप लोगों ने जितने बड़े साइज का रोल बनाना है आप उतना मिक्सचर लेंगे और उसको हाथों में अच्छी तरह से पहले इकट्ठा करेंगे और फिर दोनों हथेलियों की मदद से इसको रोल कर लेंगे। मिक्सचर तैयार करते हुए अगर आप लोगों के पास ब्रेड क्रम्स ना हो तो आप 2 से 3 ब्रेड के स्लाइसिस को अच्छी तरह से पीस कर इसमें शामिल कर सकते हैं।
आधा किलो आलू और आधा किलो चिकन से हमारे 35 से 40 रोल बनकर आसानी से तैयार हो जाते हैं। तो आइए अब इन रोल्स की कोटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम रोल को अंडे के मिक्सचर में अच्छी तरह से डिप करेंगे और चारों तरफ अच्छी तरह से अंडे का मिक्सचर लगा लेंगे। अंडे का मिक्सचर लगाने के बाद फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट करेंगे। एक बार रोल को अच्छी तरह से ब्रेड में कोट करने के बाद हम इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए दोबारा से अंडे के मिक्सचर में डिप करेंगे। अंडे का मिक्सचर अच्छी तरह से कोट करने के बाद अब हम इसको दोबारा से ब्रेड क्रम्स में एक बार फिर से कोट करेंगे और इसी तरीके से हम तमाम रोल्स को तैयार कर लेंगे। आप लोग इन रोल्स की सिंगल कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने हैं इसलिए मैंने डबल कोटिंग की है। अब इन रोल्स को तैयार करके आप किसी भी ज़िपलॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रीजर में एक माह तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए चिकन आलू रोल फ्राई करके अब इसकी फाइनल लुक भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ऑयल को प्री हीट कर लेंगे और एक एक करके रोल्स इसमें शामिल करेंगे। आप लोगों ने पैन को ओवरक्राउड बिल्कुल भी नहीं करना। रोल्स को फ्राई करते हुए आप लोगों ने रोल्स को मुसलसल हिलाते रहना है ताकि चारों तरफ से इवन गोल्डन कलर आए। रोल फ्राई करते हुए अगर आप लोग फ्लेम का खास ख्याल रखेंगे तो आपके रोल्स भी बिल्कुल इसी तरह ऑयल फ्री बनकर तैयार होंगे। तो लीजिए तैयार हैं हमारे बहुत ही क्रिस्पी और मजेदार किस्म के चिकन आलू रोल्स। अब मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ कि रोल्स हमारे किस कदर क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। रोल्स की डबल कोटिंग की वजह से हमारे चिकन आलू रोल बहुत ज्यादा ऑयली भी नहीं होते। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ट्राई समथिंग डिफरेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ सब्जियों से तैयार किए गए बहुत ही मजेदार क्रिस्पी नगेट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। नगेट्स की ये रेसिपी खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खाते, और जब आप इसको ट्राई करेंगे तो कोई पहचान ही नहीं सकेगा कि ये सब्जियों से तैयार किए गए हैं। इन नगेट्स को बनाकर आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए फ्रीजर में स्टोर भी कर सकते हैं और रमजान और अफ्तार की दावतों के लिए भी ये बहुत ही आइडियल रेसिपी है। बहुत ही कम बजट में तैयार होने वाली ये मजेदार नगेट की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 3 से 4 ब्रेड के स्लाइस लेंगे और इसको पैन पर बिना ऑयल और घी के टोस्ट कर लेंगे और फिर चॉपर में डालकर इसके क्रम्स तैयार कर लेंगे। अब एक बाउल में हम 1 कप के बराबर उबले हुए मटर डालेंगे और 1 कप के बराबर ही उबली हुई गाजर डालेंगे। अब इन दोनों सब्जियों को भी चॉपर में डालकर अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। अब चॉप की हुई सब्जियों को एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर करेंगे। अब इसमें हम 2 उबले हुए आलू जिनका वजन 250 ग्राम तक होना चाहिए ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके डालेंगे और 2 उबले हुए अंडों को भी ग्रेट करके इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून के बराबर नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून के बराबर चाइनीज सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून के बराबर लहसुन का पाउडर भी इसमें शामिल कर देंगे और 1/2 टीस्पून के बराबर काली मिर्चों का पाउडर भी इसमें डाल देंगे। 1/2 टेबलस्पून के बराबर हम पार्सले का इस्तेमाल करेंगे और 1/2 टेबलस्पून हम इसमें सोया सॉस डालेंगे और साथ ही 1/2 टेबलस्पून के बराबर चिली सॉस का भी इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास पार्सले ना हो तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून के बराबर कॉर्न स्टार्च शामिल करेंगे और 1 से 2 टेबलस्पून हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। अब इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस ख्याल रखिएगा कि उबली हुई सब्जियों में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चलिए तैयार किए हुए मिक्सचर से अब नगेट्स तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले अपने हाथों को ऑयल की मदद से अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे। फिर आपने अपनी मर्जी के हिसाब से मिक्सचर लेना है और इसको हाथों में दबा दबा कर यकजान करेंगे और फिर हाथों और उंगलियों की मदद से दबाते हुए इसको नगेट्स की शेप देंगे। नगेट्स को आप लोगों ने ना तो बहुत ज्यादा बड़ा रखना है और ना ही आप लोग छोटा रखेंगे, बल्कि मीडियम साइज के नगेट्स तैयार करेंगे। मैंने जो रेसिपी आज शेयर की है इसे आपके 18 से 20 नगेट्स आसानी से बनकर तैयार होंगे। नगेट्स तैयार करने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम 2 अदद अंडे लेंगे और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे।
अब तैयार किए हुए नगेट्स को उठाकर एक बार अंडे के साथ कोट करेंगे। इस रेसिपी में आपको नगेट्स पर पहले ड्राई मैदा लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अंडे में अच्छी तरह से कोट करने के बाद अब हम इस पर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। नगेट को अच्छी तरह से हल्के हाथ से दबाते हुए चारों तरफ ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। बस इसी तरीके को फॉलो करते हुए तमाम नगेट्स तैयार कर लेंगे। अब इसी तरह से आपने प्लेट को फ्रीजर में रख देना है। जब ये थोड़े से सख्त हो जाएं, तब आप किसी भी जिपलॉक बैग या एयर टाइट कंटेनर में डालकर इसको फ्रीजर में एक माह तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको फ्रेश बनाना चाहते हैं, तब भी 15 मिनट के लिए पहले फ्रीजर में रखेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। अब एक पैन में ऑयल को मीडियम फ्लेम पर प्री हीट करेंगे और इसमें एक एक करके नगेट्स डालेंगे। बस ख्याल रखिएगा कि पैन को आप लोगों ने ओवर क्राउड बिल्कुल नहीं करना। नगेट्स की जब एक साइड पर आपकी मर्जी के हिसाब से कलर आ जाए, तब आपने इसकी साइड को चेंज करना है। इन नगेट्स को तैयार होने में तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। नगेट्स की साइड को चेंज करते हुए आप लोगों ने इनको हिलाते रहना है ताकि दोनों तरफ से एक जैसा कलर आए। जब आपकी मर्जी के हिसाब से कलर आ जाए, तब आप लोगों ने इसको किसी भी छन्नी में निकाल लेना है। बस ख्याल रखिएगा कि नगेट्स को आप लोगों ने टिश्यू पेपर, पेपर टॉवल या न्यूज़पेपर पर बिल्कुल नहीं रखना। तो लीजिए, तैयार हैं हमारे बहुत ही मजेदार क्रिस्पी क्रंची वेजिटेबल नगेट्स, जिसको हमने बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार किया है। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि नगेट्स हमारे किस कदर क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये बाहर से बहुत क्रंची हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं। अब आप लोग भी इन सर्दियों की फ्रेश सब्जियों के साथ इन नगेट्स की रेसिपी को एक बार मेरे कहने पर जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक और कॉमेंट करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ट्राई समथिंग डिफरेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही मजेदार क्रिस्पी कुरकुरे रोल्स की रेसिपी शेयर करूंगी। आज की ये रेसिपी आप सबके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि अगर आपके बच्चे सब्जियां शौक से नहीं खाते, तो जब आप ये रोल उनको बना कर देंगे तो यकीन जानिए वो बार बार आपसे इन्हीं रोल्स की फरमाइश करेंगे। बच्चों के लंच बॉक्स और अफ्तार के लिए ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। आप इसको बनाकर फ्रीजर में स्टोर भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर टाइम को बिल्कुल भी जाया नहीं करेंगे, तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम 2 से 2.5 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर डालेंगे और इसमें एक दरमियाने साइज की प्याज, जिसका वजन 125 से 150 ग्राम तक होना चाहिए, बारीक चॉप करके डालेंगे और प्याज को मीडियम फ्लेम पर सॉफ्ट होने तक पकाएंगे और 3 से 4 टेबलस्पून इसमें मैदा शामिल करेंगे। मैदे को आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। जब मैदे का कच्चापन खत्म हो जाए और इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे, तब आपने इसमें 3/4 कप के बराबर दूध शामिल करना है। अब हम इसमें 1 टीस्पून लहसुन पाउडर शामिल करेंगे और 1 ही टीस्पून अदरक पाउडर भी इसमें डाल देंगे। 1/2 टेबलस्पून चाइनीज सॉल्ट भी इसमें डाल देंगे और तकरीबन 1/2 टेबलस्पून ही इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे। 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें भी इसमें शामिल करेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश कुटी हुई हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्चों का पाउडर भी इसमें शामिल करेंगे और इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दूध को ड्राई होने से पहले हम इसमें सब्जियां शामिल करेंगे, जिसमें 2 कप के बराबर बारीक कटी हुई बंद गोभी शामिल करेंगे और 2 कप के बराबर ही यहाँ पर हम मटर और गाजर का इस्तेमाल करेंगे। गाजर को आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी तरह से काट कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सब्जियों को मिक्स करते हुए तकरीबन 70 से 80% तक पकाएंगे। जब सब्जियों में हल्का सा कच्चापन बाकी रह जाए, तब आप लोगों ने इसमें 1 कप उबला हुआ श्रेडेड चिकन डालना है। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम कच्चा चिकन लेके उसे बगैर नमक के उबाला था और चिकन को भी सब्जियों के साथ एक बार बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 250 ग्राम के बराबर उबले हुए आलुओं को भी मैश करके इसमें शामिल करेंगे। अब आलू को भी सब्जियों और चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये सारा कुकिंग का प्रोसेस आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पर करना है। अब इस मिक्सचर को किसी खुले बर्तन में ट्रांसफर करेंगे और मुकम्मल तौर पर इसको ठंडा कर लेंगे और फिर हम इसके रोल्स तैयार करेंगे। रोल्स तैयार करने के लिए आपने अपने हाथों को पहले ऑयल की मदद से अच्छी तरह से ग्रीस करना है। फिर जितना बड़ा आप रोल बनाना चाहते हैं, उतना मिक्सचर लेंगे और हथेलियों में इसको घुमा घुमा के एक रोल की शेप दे देंगे।
बस ख्याल रखिएगा कि रोल्स में क्रैक्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आज की इस रेसिपी से आप लोग 30 से 35 रोल्स आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। रोल्स की कोटिंग करने के लिए अब हम यहाँ पर एक बैटर तैयार करेंगे, जिसके लिए एक बॉल में हम 5 टेबलस्पून यानी आधा कप के बराबर मैदा डालेंगे। इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर नमक डालेंगे और 1/4 टीस्पून के बराबर ही हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे और आधा कप पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक स्लरी तैयार कर लेंगे। अब इस तैयार की गई स्लरी में आपने एक एक करके तमाम रोल्स को रोल करना है और इसके बाद आपने इनको ब्रेड क्रम्स के साथ कोटिंग करनी है। ब्रेड क्रम्स आप लोग अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। रोल्स को हाथों से प्रेस करते हुए बहुत अच्छी तरह से आपने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। मैदे की स्लरी की जगह आप लोग अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसी तरह से तमाम रोल्स तैयार कर लेंगे। जब रोल्स रेडी हो जाएं तब आपने इसी तरह से ट्रे को उठा के फ्रीजर में रखना है और 1 से 2 घंटे तक आप देखेंगे कि ये रोल्स सख्त हो जाएंगे। जब रोल्स सख्त हो जाएं तब आपने इनको किसी भी जिप लॉक बैग या एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रीजर में 1 माह तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए इन रोल्स को फ्राई करके इनकी फाइनल लुक भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक पैन में ऑयल को मीडियम फ्लेम पर प्री हीट कर लेंगे और एक एक करके इसमें रोल्स डालेंगे। बस ख्याल रखिएगा कि पैन को आप लोगों ने ओवर क्राउड बिल्कुल नहीं करना और रोल्स को आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। जब ये थोड़े से सख्त हो जाएं तब आप लोगों ने इनको हिलाना है ताकि हर तरफ से एक जैसा कलर आए। जब आपकी मर्जी के हिसाब से कलर इस पर आ जाए तब आपने इन तमाम रोल्स को निकाल लेना है। रोल्स को निकाल कर आप लोग कूलिंग रैक या छन्नी में रखेंगे। पेपर टॉवल, टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर का इस्तेमाल आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोग टिश्यू पेपर वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो ये रोल्स ज्यादा देर तक क्रिस्पी नहीं रहेंगे। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि रोल्स बिल्कुल भी ऑयली नहीं हैं और ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी, क्रंची और कुरकुरे बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक रोल तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये किस कदर क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है और अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो देखा आप लोगों ने कि सब्जियों का भी इस्तेमाल करके हम बहुत ही मज़ेदार किस्म के स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। अब आप लोग भी इन रोल्स को बनाकर अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए और आने वाले रमजान के लिए फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक और कॉमेंट करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ट्राई समथिंग डिफरेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।